एक और नई स्मार्ट वॉच फायरबोल्ट की तरफ से। जी हाँ दोस्तों, फायरबोल्ट ने अपनी एक और नई स्मार्ट वॉच लॉन्च की है जो कि है फायरबोल्ट निंजा बेल। पिछले 5 से 10 दिनों में फायरबोल्ट ने लगभग 4-5 स्मार्ट वॉच लॉन्च कर दी है और वे सभी स्मार्ट वॉचेस काफी कमाल के फीचर्स के साथ थी। अब देखते हैं जरा ये स्मार्ट वॉच क्या क्या कमाल के फीचर्स लेकर आते हैं। मेरे साथ वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा क्योंकि इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको इसके सभी डिटेल्स के बारे में तो बताऊंगा, साथ ही जिस प्राइस सेगमेंट पे लॉन्च हो रही है वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। काफी रीजनेबल प्राइस है तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। उससे पहले चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दें, साथ ही साथ हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लीजिए कोई भी डाउट और क्वेरी के लिए। जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। तो ये है दोस्तों बॉक्स हमारी फायरबोल्ट निंजा बेल स्मार्ट वॉच का। सामने की तरफ से काफ़ी अच्छा लग रहा है बॉक्स। वैसे ऊपर की तरफ दोस्तों फायरबोल्ट की ब्रांडिंग की गई है और यहाँ पर लिखा गया मॉडल नेम जो कि है निंजा बेल। बाकी लेफ्ट साइड में देखें तो यहाँ पर इसके कुछ हाइलाइटिंग फीचर्स दिए गए हैं जैसे ब्लूटूथ कॉलिंग, 1.69 की फुल टच डिस्प्ले और राइट साइड में भी यहाँ पर इसके कुछ और फीचर्स लिखे गए हैं। पीछे की तरफ देखें दोस्तों यहाँ पर आपको इसका प्राइस देखने के लिए मिल जाएगा 9999 रुपीज़, बट काफ़ी ज़्यादा है इसके एक्चुअल प्राइस है। एक्चुअल प्राइस क्या है वो मैं वीडियो में आगे बताऊंगा। जल्दी से इसको ओपन कर लेते हैं, आप इतने वीडियो को लाइक और शेयर कर दो। तो सबसे ऊपर ही दोस्तों हमें हमारी स्मार्ट वॉच रखी हुई मिल जाती है, तो इसको एक बार साइड में निकालते हैं बॉक्स से और देखते हैं बॉक्स में इसके अलावा और क्या क्या चीज़ें देखने के लिए मिलती हैं। तो यहाँ पर दोस्तों जैसे ही हम इस लिड को हटाते हैं तो नीचे की तरफ हमें कुछ डॉक्यूमेंटेशन और साथ में एक चार्जिंग डॉक केबल देखने के लिए मिल जाती है जो कि अगेन मैग्नेटिक टाइप केबल है। बाकी कुछ यूज़र मैनुअल्स और कुछ सरप्राइज कार्ड्स भी देखने के लिए मिल जाते हैं और फ्री मंथ की म्यूजिक सब्सक्रिप्शन। इन सब को साइड में रखते हैं और आते हैं अपनी वॉच की तरफ, वॉच की डिज़ाइन और बिल्ड क्वालिटी की। तो दोस्तों यहाँ पर मेरे पास ब्लैक कलर है, इसके अलावा 2-3 कलर ऑप्शंस और देखने के लिए मिल जाते हैं आपको, जिन्हें आप जाके इसकी वेबसाइट पर चेक कर सकते हो। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल ही जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर इसको हटाते हैं और देख सकते हैं दोस्तों डिस्प्ले यहाँ पर काफ़ी बड़ी है। लेकिन उससे पहले इसके फ्रेम की बात करें तो यहाँ पर आपको मेटेलिक फ्रेम देखने के लिए मिल जाता है। राइट साइड में दोस्तों आपको यहाँ पर दो बटन्स दिख रहे होंगे, ये जो नीचे वाला बटन है ये स्पोर्ट्स मोड के लिए है और ऊपर वाला बटन जो है वो मल्टी फंक्शन बटन है आपका। बाकी दोस्तों स्ट्रैप्स जो है ये आपको काफ़ी अच्छी क्वालिटी की देखने के लिए मिल जाते हैं, 22mm वाली स्ट्रैप्स है और ये रिमूवेबल है तो इन्हें आप रिमूव कर सकते हो, अपनी पसंद के हिसाब से कोई भी नई स्ट्रैप्स लगा सकते हो यहाँ पर। साथ ही दोस्तों सेंसर्स की बात करें तो पीछे की तरफ आपको जितने भी इंपॉर्टेंट सेंसर हैं वो सब देखने के लिए मिल जाते हैं, इंक्लूडिंग योर हार्ट रेट सेंसर, SPO2 मॉनिटरिंग सेंसर, साथ ही साथ दोस्तों इसमें आपको एक्सेलेरोमीटर और बैरोमीटर भी देखने के लिए मिल जाता है। इसी के साथ दोस्तों यहाँ पर पीछे की तरफ चार्जिंग डॉक दी गई है इसे चार्ज करने के लिए, तो काफ़ी आसानी से चार्ज कर सकते हो। स्मार्ट वॉच दोस्तों आपको IP68 वाटर रेजिस्टेंट भी देखने के लिए मिल जाती है, तो जिम वगैरह और वर्कआउट के वक्त आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। डिस्प्ले की बात करें तो दोस्तों यहाँ पर इसमें आपको 1.69 इंच की एक HD फुल टच डिस्प्ले देखने के लिए मिल जाती है, जहाँ पर जो कलर्स है वो काफ़ी शानदार निकल के आता है। इस प्राइस सेगमेंट में डिस्प्ले की जो क्वालिटी है मैं उसे 5 स्टार देना चाहूँगा, काफ़ी अच्छी क्वालिटी की डिस्प्ले आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाती है। इसी के साथ ब्राइटनेस की बात करें तो दोस्तों यहाँ पर जो इसकी ब्राइटनेस है वो आउटडोर में आपको अच्छी देखने के लिए मिल जाती है, एज सच ज़्यादा भी नहीं है लेकिन हाँ इतनी भी नहीं है कि आप नहीं देख पाओ, ब्राइटनेस काफ़ी अच्छी है। साथ ही बेजल्स की बात करें तो बेजल्स दोस्तों इस स्मार्ट वॉच में काफ़ी कम देखने के लिए मिलते हैं। अब सॉफ्टवेयर की बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर, यानी यूज़र इंटरफेस की इस स्मार्ट वॉच में, तो शुरुआत दोस्तों इस स्मार्ट वॉच के वॉच फेसेस से कर लेते हैं। इस स्मार्ट वॉच में आपको एट अ टाइम 5 नहीं 7 वॉच फेसेस का ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है, यानी कि एट अ टाइम आप इसमें 7 वॉच फेसेस रख सकते हो। बाकी वॉच फेसेस को डाउनलोड करने के लिए आप इसकी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना प्ले स्टोर से जो कि है डाफिट। बाकी दोस्तों यहाँ पर मेन्यू की बात करें तो जैसे आप इसे लेफ्ट से राइट स्क्रॉल करते हो तो यहाँ पर आपको एक स्प्लिट स्क्रीन व्यू देखने के लिए मिल जाता है, जहाँ पर आपके कुछ शॉर्टकट्स हैं, ठीक है। ऊपर से जब आप इसे नीचे स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पर क्विक पैनल व्यू है, जहाँ पर आपकी ब्राइटनेस, डू नॉट डिस्टर्ब, फ्लैश लाइट और शटर का ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है। जब नीचे से ऊपर की तरफ आप इसे स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पर आपका सारी मेन्यू है जो कि हनीकॉम्ब स्टाइल में है। अब दोस्तों मैंने काफ़ी बार नोटिस किया है कि कुछ वॉच जो होती है जो कि हनीकॉम्ब स्टाइल को यूज़ करने की कोशिश करती है उनके UI में कुछ ना कुछ लैग रहता है, बट यहाँ पर इसका जो हनीकॉम्ब UI है ये मुझे काफ़ी स्मूथ लगा, ऐसा कोई लैग यहाँ पर देखने के लिए नहीं मिला। हालांकि इसके व्यू को आप चेंज भी कर सकते हो, आपको इसकी सेटिंग्स में जाना है और सेटिंग्स में जाने के बाद दोस्तों इसके व्यू को ग्रिड से हटाकर लिस्ट पर लगा देना है, तो आप जैसी मर्जी आप वैसा व्यू यहाँ पर रख सकते हो। साथ ही जैसे आप राइट से लेफ्ट की तरफ स्वाइप करोगे तो यहाँ पर आपके जितने भी स्पोर्ट्स एक्टिविटी हैं वो सब यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएंगे। इसी स्मार्ट वॉच में दोस्तों आपको कुछ गेम्स भी देखने के लिए मिल जाते हैं इनबिल्ट, तो यहाँ पर मैं आपको एक गेम खेलकर दिखा देता हूँ। मैं यंग बर्ड खेलता हूँ, ये गेम मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है, तो स्टार्ट करते हैं और मैं
चैंपियन है आपका भाई, ये तो बस ऐसे ही आउट हो गया मैं थोड़ा। इस स्मार्ट वॉच में दोस्तों हार्ट रेट सेंसर जो है वो भी काफी अच्छी तरीके से काम कर रहा है, काफी अच्छी रीडिंग और एक्यूरेट रीडिंग यहाँ पर वो निकाल के दे रहा है। साथ ही साथ दोस्तों जो SPO2 मॉनिटरिंग सेंसर है वो भी यहाँ पर काफी अच्छे से वर्क कर रहा है। बट अगेन कहना चाहूंगा दोस्तों, ये सिर्फ एक स्मार्ट वॉच है, इससे आप आइडिया लगा सकते हैं। एक्चुअल हेल्थ जो है वो आपकी रियल जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं उनसे ही पता चलती है। कॉलिंग के वक्त भी दोस्तों मुझे इस स्मार्ट वॉच में कोई परेशानी नहीं हुई कर, और माइक की जो क्वालिटी है वो भी काफी अच्छी है। हेलो नमस्कार देवी और सज्जनों, हम बोल रहे हैं अमिताभ बच्चन कौन बनेगा करोड़पति से। हमारे सामने यहाँ पर हॉट सीट पे बैठे हैं कुणाल त्यागी जी, क्या आप उनको जानते हैं? नहीं जानते? भैया नमस्ते। नमस्ते, आवाज सही आ रही है? हाँ। ओके ठीक है। बैटरी की बात करें तो दोस्तों इस स्मार्ट वॉच को अगर आप नॉर्मल यूज करते हो, नॉर्मल यूजर हो, तो ये आपके 5 से 7 दिन काफी इजीली निकाल देगी। बट अगर आप इसे हैवी यूज करते हो यानी ब्लूटूथ कॉलिंग का भी इस्तेमाल करते हो तो 3 दिन आपके चल जाएगी स्मार्ट वॉच। बाकी स्टैंड बाय टाइम जो है इस स्मार्ट वॉच का वो आपको 25 डेज का देखने के लिए मिल जाता है। तो प्राइस को देखते हुए बैटरी जो है काफ़ी अच्छी है, यहाँ पर काफ़ी डिसेंट बैटरी लाइफ आपको इस स्मार्ट वॉच में मिल जाती है। बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर इस स्मार्ट वॉच के प्राइस की, तो इस स्मार्ट वॉच का जो प्राइस है वो आपको 2899 रुपीज़ का देखने के लिए मिल जाएगा, जो कि मेरे हिसाब से इस स्मार्ट वॉच के लिए एक रीजनेबल प्राइस है। क्योंकि दोस्तों इस प्राइस सेगमेंट में आपको एक अच्छी स्मार्ट वॉच मिलना जिसमें ब्लूटूथ कॉलिंग भी हो और साथ ही साथ काफ़ी अच्छे और भी फीचर्स हो, काफ़ी मुश्किल हो जाता है आपको। या तो प्राइस में कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है या फिर फीचर्स के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। बस इस प्राइस सेगमेंट पे ये स्मार्ट वॉच जो है वो काफ़ी अच्छी है, आपको एक लैग फ्री UI भी देखने के लिए मिल जाता है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल ही जाएगी, आप वहाँ से जाके इसे ज़रूर चेकआउट कर लेना। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में बस इतना ही है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो ना तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को जितना हो सके लाइक और शेयर भी करना। मिलता हूँ आप लोगों से एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।